इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है वाराणसी से। जी हाँ, वाराणसी की जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला दे दिया है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया गया है। जी हाँ, कोर्ट ने जिला प्रशासन को बैरिकेटिंग में 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। ये तहखाना मस्जिद के नीचे है, अब यहाँ नियमित पूजा अर्चना होगी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना कराई जाएगी। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है। 30 साल बाद न्याय मिलने का दावा किया गया है। नवंबर 1993 में यहाँ पूजा पाठ किया जाता था, लेकिन फिलहाल पूजा पाठ बंद था। यहाँ आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाने में पूजा पाठ करने के अधिकार देने की मांग वाली शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर कल सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिस पर आज फैसला आ गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने कहा है कि यह फैसला गलत है। पूर्व के आदेशों को ओवरलुक करते हुए यह आदेश दिया गया है। हम लोग इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। यहां आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, पूजा 7 दिनों के भीतर शुरू होगी, सभी को पूजा करने का अधिकार होगा। पूरा हो गया है और जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करेगा। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो तहखाने पूजा करने जरूर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर मंदिर देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है। उनको पता हो कौन कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए वहाँ पे, वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ, ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी? जी सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के एम पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहाँ पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहाँ पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है? वजू खाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई होगी।